لله الذي يبدع الأفلاك بالأغدير والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا طلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترغب أن تصلي عليه ادب گاہش زیر آسمان از عرش نازک تر نفس دم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا مصطفیٰ برتاں خیش راک دی ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بھول حبیش اس نے خورشید نہ مہتاب کا جلوہ دیکھو آؤ احمد کے کفے پا کا تماشا دیکھو دیکھنے والو دیائے شہ بتھا دیکھو فرش کی گود میں ہے عرش معلہ دیکھو آؤ احمد کے کفے پا کا تماشا دیکھو اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود درود شریف کا نذرانے عقیدت پہ شرما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى ان تصلي عليه ایک بار اور هذه صلاه پیش فرمائیں صلى الله على النبي الامي وعليه صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله ایک بار اور حدیث درود شریف پیش فرمائیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى ان تصلي عليه قسم ہے آفتاب کی اور اس کی روشنی کی قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے چلے قسم ہے دن کی جب اسے چمکائے قسم ہے رات کی جب اسے چھپائے قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی قسم ہے زمین کی اور اس کے پھیلانے والے کی قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا اور پھر اس کی پرہیزگاری اور اس کی بدکاری اس کے دل میں ڈالی یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو ستھرا کیا اور وہ نامراد ہوا جس نے اسے غفلت میں چھپایا
मैंने कुरान करीम की जिस आयत करीमा की तिलावत से अपने को मुशर्रफ किया है उसका आगाज सात कसमों से हो रहा है। कुरान करीम में जगह जगह कसमें इरशाद फरमाई गई हैं, उसकी तफसीलात में मुझे आपको नहीं ले जाना है, वक्त की कमी का एहसास है। कहीं इजहारे हैबत के लिए कसम याद फरमाई गई, कहीं इजहार कसरत मनफात के लिए कसम याद फरमाई गई, कहीं इजहार अजमत के लिए कसम याद फरमाई गई, कहीं इजहार कुदरत के लिए कसम याद फरमाई गई, कहीं इजहार मोहब्बत के लिए कसम याद फरमाई गई। हर जगह का एक महल है, एक मौका। यहां पहली कसम कसम है आफ्ताब की, वाकई कायनात का मुतालिया करने वाले अगर कुर्रे आफ्ताब के ऊपर गौर करें तो कुदरत इलाही का बेहतरीन नमूना ये आफ्ताब जो चमकने को तो आसमान पर चमकता है मगर इस दुनिया की बहुत सी चीजें उससे वाबस्ता कर दी गई। दरख्तों को आफ्ताब की जरूरत, नबातात को आफ्ताब की जरूरत, हैवानात को आफ्ताब की जरूरत। आफ्ताब कुदरत इलाहिया के शाहकारों में से एक शाहकार रब तबारक व ताला अपनी कुदरत के इजहार के लिए इस चमकती हुई आफ्ताब की कसम याद फरमा रहा। इस मुकाम पर सूफिया का अंदाजे फिक्री कुछ और निराला होता है और उस मकाम पर एक बड़ी लतीफ बात इरशाद फरमाते हैं कि सुनो जी, इस आयते करीमा में जिस आफ्ताब की कसम याद फरमाई जा रही है ये आफ्ताब भी उसका भिखारी, ये आफ्ताब उस आफ्ताब का भिखारी और उससे फैज लेने वाला आफ्ताब है। ज्यादा इजमाल और इबहाम की मंजिल में मैं आपको नहीं रखना चाहता। कसम है आफ्ताब रिसालत की, कसम है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो शमशे नबूवत और आफ्ताब रिसालत और वाकई दोस्तों मैं अगर ये कहूं कि मेरा रसूल इस आफ्ताब की तरह है, मैं अगर ये कहूं कि मेरा रसूल इस चांद की तरह है तो ये मिसाल हरगिज असल के मुताबिक नहीं हो सकती। मैं अपने रसूल के चेहरे मुबारक को अगर चांद और सूरत से तशबीह दूं तो इससे तकरीब फहम में जरूर कुछ मदद मिल सकती है मगर हकीकत हाल का इंकशाफ नहीं हो सकता। मैं वो शायर नहीं जो चांद कह दूं उनके चेहरे को, मैं उनके नक्शे पापे चांद को कुर्बान करता हूं। मगर दोस्तों हमारे अल्फाज आजिज हैं, हमारी इबारतें नाकिस हैं। हम अगर किसी बेनजीर और बेमिसाल रसूल को समझाना चाहे तो हमें मिसाल कहां से मिलेगी,
हमें नसीब कहां से मिलेगी? बस समझ लो, जैसे हम अपने नाकिस अल्फाज से, अपनी नाकिस इबारतों से खुदाए बरतर के सिफात का इजहार करते हैं और उसकी तफसीर करने के बाद, लफ्जों की तफसीर करने के बाद, इसलिए कि हमारे अल्फाज इस लायक नहीं है, हमारी इबारतें इस लायक नहीं है, हमारे जुमले इस लायक नहीं है जो खुदा की सिफात की तस्वीर कशी कर सके, जो खुदा के सिफात को सही तौर पर हमारे दिमाग के अंदर उतार सके। हम न उसकी सिफात को समझने की अहलियत रखते हैं और न उसकी जात की हकीकत तक पहुंचने का कोई शौर रखते हैं। ऐसा दोस्तों, ऐसे वहदहू ला शरीक खुदा का बेमिसाल नबी, बेनजीर रसूल, हम क्या उसे समझा सकेंगे? मगर वाकई किसी शायर ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी अपनी अकीदत और मोहब्बत में, कि तशबीह के लिए है ये खुर्शीद और माहताब, तशबीह के लिए है ये खुर्शीद और माहताब, हाजत ही वरना क्या थी रूखे मुस्तफा के बाद। जब रब तबारक व तआला ने अपने रसूल को भेज दिया तो चांद उस सूरत की जरूरत ही क्या थी? मगर दोस्तों, अगर ये चांद उस सूरत ना होता तो हजरत अबू हुरैरा को ये कहने का मौका ही कब मिलता? कान न शम्स हो तजरी रसूल का चेहरा देखने वाले जो देख चुके, जो नहीं देख रहे कुछ इसी से समझ लेंगे, कुछ इसी से समझ लेंगे। तो कसम है इस आफ्ताबे रिसालत की, कसम है इस आफ्ताबे नबूवत की। और वाकई देखो मियां, बात बातें जो आप आफ्ताब के अंदर देखते हैं, सरकारे रिसालत की जाते गिरामी में भी वो बातें मैं सिर्फ तकरीबे फहम के लिए अपने मारूजात आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। देखो, आफ्ताब का भी अजीब आलम होता है, जब ये उफुक के ऊपर होता है किस कदर एक हसीन और जमील, एक कोरा, एक दायरा हम देख रहे हैं, सुनहरा दायरा, सभी की नजर उसके ऊपर जमी हुई है, कोई नहीं है जो उस पर तनकीद करे, कोई नहीं है जो उसे बुरा कहे, सभी उसको अच्छी और मोहब्बत की नजर से देख रहे हैं। मगर यही आफ्ताब जब पढ़ते पढ़ते ऊपर चढ़ता है इसकी ताबानी बढ़ती ही चली जाती है, और जैसे जैसे ताबानी बढ़ती जाती है नजरें फिरती जा रही हैं। हमने यही तो देखा कि आफ्ताबे रिसालत का जब शुरू हुआ तो वहां अपने पराए की कोई तफरीक नहीं, जिसको देखो सब साबित कह रहे हैं, जिसको देखो सब अमीन कह रहे हैं, जिसको देखो सभी भरोसा कर रहे हैं, जिसको देखो सभी हतम बना रहे हैं, जिसको देखो सभी एतमाद कर रहे हैं, सभी मेरे रसूल की जात के मुतालिक, मेरे रसूल की खूबियों के मुतालिक दो राय नहीं मिल रही है। मगर जब आफ्ताबे रिसालत चरखे हिदायत की बुलंदियों पर चढ़ा, ताबानी बढ़ी, नजरें फिरने लगी। मगर दोस्तों, नजरें फेरने वाले भी कुछ तो मोहब्बत में नजर फेरते हैं, कुछ अदावत में नजर फेरते हैं, कुछ लोगों ने नजर फेरा नहीं, झुकाया, और कुछ ने फेर लिया। झुकाने में भी फिरना मिलता है और फेरने में भी फिरना मिलता है, मगर वो अदावत का फेरना और है, मोहब्बत का झुकाना और है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुसल्लि अलैह। हमने नजरें इसलिए झुकाई जब आफ्ताब के जमाल की ताब हम नहीं ला सकते, अब आफ्ताब को देखने का तरीका ही कुछ बदल गया। पहले तो हम नजर मिला के देखते थे, अब नजर झुका के देख रहे हैं। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुका ली देख ली। पहले हम मिला के देखते थे मगर अब उसके जलवों को हम दरो दीवार पर देखते हैं। ऐ आफ्ताब के देखने वालों, नजरें मत मिलाना, नजरें चका चौंध हो जाएंगी। अब आफ्ताबे रिसालत को देखना है तो बिखरे हुए जलवों को देखो, रसूल अरबी को देखना है तो सिद्दीक की सदाकत देखो, फारूक की अदालत देखो, उस्मान गनी की सखावत देखो, अली मुर्तजा की सयादत देखो। ऐ देखने वालों, बिखरे हुए जलवों को देखो, इन तजल्लियों को देखो।
आफ्ताब अपने आफ्ताब से नजरें मत मिलाओ, और ये आफ्ताब की अजीब शान है, बढ़ता है बढ़ता है और बढ़ता ही चला जाता है, और एक ऐसा मुकाम आता है कि उसके बाद बढ़ने का इम्कान खत्म हो जाता है। अब वो झुकने लगता है, अब दूसरी तरफ जा रहा है, मालूम हुआ कि आफ्ताब का मिजाज अजीब है, तुलू के बाद गुरूब जरूर होगा मगर अभी उरूज पर भी चढ़ेगा, जब तक इंतहाए उरूज पर न पहुंचेगा गुरूब की तरफ माइल न होगा, जब तक इंतहाए उरूज पर नहीं पहुंचता उस वक्त तक गुरूब की तरफ माइल नहीं होता। मेरा रसूल तुलू हुआ, दुनिया ने कहा यौम मीलाद का जुहूर हुआ, रसूल का उरूज हुआ, हमने कहा यौम मेराज आ गया। अब जब यौम मेराज के बाद अब मेरा रसूल गुरूब की तरफ जा रहा है, गुरूब की तरफ जा रहा, मगर याद रखना फना होना और है और गुरूब होना और है, मिट जाना और है, डूब जाना और है। मेरा रसूल गुरूब की तरफ जा रहा है, आफ्ताब गुरूब होता है फना नहीं होता, और ये हमारी तुम्हारी इस्तेला है, हम कहते हैं डूब गया, उधर वाले कहते हैं निकल आया, उधर वाले कहते हैं निकल आया, हमारा सलातन सलाम अली की या रसूलुल्लाह। हम ये तो हमारे लफ्जों की बात हो गई कि हम कहते हैं कि गुरूब हो गया, मगर कहीं वाले बोल रहे हैं तुलू हो गया, और अगर और गहराई से देखो तो आफ्ताब हमेशा निस्तुल नहार पर रहता है, आफ्ताब हमेशा निस्तुल नहार पर रहता है, आफ्ताब हमेशा सर पे रहता है, आज हमारे सर पर, कल किसी और के सर पर, और आगे बढ़ा तो किसी और के सर पर, रात को किसी और के सर पर, दिन में किसी और के सर पर। कहने का मतलब यह है कि जब वो सारी कायनात के लिए रहमत है तो सारी कायनात की सरपरस्ती भी करेगा, सारी कायनात का मुरब्बी, सारी कायनात का सरपरस्ती। अगर वो इसी दुनिया का आफ्ताब होता तो यही चमक के रह जाता, मगर उसे इसे यहाँ भी चमकना है, वहां भी चमकना है। वो आलम शहादत का भी आफ्ताब है, वो आलम गैब का भी आफ्ताब है, वो आलम गैब का भी आफ्ताब है। इसीलिए दोस्तों आफ्ताब गुरूब हुआ फना नहीं हुआ, दलील पूछोगे तो हम कहेंगे जमीन के जर्रों से मत पूछो, आसमान के सितारों से पूछो, चांद की ताबानी से पूछो, कि वो जो अभी चमक रहा था, जिसकी ताबानियों से सारी दुनिया बुक्का नूर बनी हुई थी, वो फना हो गया या डूब गया? तो सितारे बोलेंगे अगर फना हो जाता तो हमारे अंदर ये चमक कहाँ से आती, अगर वो फना हो जाता तो चांद में चांदनी कहाँ से रहती? तो हमारी ताबानी बता रही है कि चमकाने वाला मौजूद है, हमारी ताबानी बता रही है कि चमकाने वाला मौजूद है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरा रसूल गुरूब हो गया या फना हो गया, हमसे मत पूछो, उनसे पूछो जो आसमाने कुतुबियत के सितारे हैं, उनसे पूछो जो चरखे विलायत के चांद हैं, उनसे पूछो तो वो बुलंदी बुलंदी पर रहने वाले कहेंगे सुनो अगर वो आफ्ताब गुरूब फना हो गया होता तो हमें विलायत कहाँ से मिलती, हमें कुतुबियत कहाँ से मिलती? इसलिए कि देखो देने वाला खुदा है, मगर वास्तुल फैज है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्ना अना कासिम वल्लाह युती। ये मेरे रसूल ने फरमाया है, मैं बांटने वाला हूँ, खुदा देने वाला है। तुम पूछोगे कि रसूल क्या बांटने वाले हैं, मैं भी अर्ज करूंगा पूछूंगा कि खुदा क्या देने वाला है, आप कहेंगे खुदा सब कुछ देने वाला है, मैं भी अर्ज कर दूंगा रसूल सब कुछ बांटने वाले हैं। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى ان تصلي عليه। तो कहने का मंशा यह है कि आफ्ताब का फैज मुनक़ता नहीं होता, यहाँ रहता है तो दर्रों को चमकाता है, वहाँ रहता है तो सितारों को चमकाता है। जब हमारी निगाहों के सामने हो तो दर्रे वाकई देखो, हम यही तो देख रहे हैं, हम यही देख रहे हैं कि आफ्ताब रिसालत ने क्या प्यारी बात कही थी, कुंतो नबीयम वादमो बैनल माए बत्तीन। अल्फाज पर गौर करना,
كنت نبيا وعدم بين الروح والجسد كنت نبيا وعدم لمنجلد في طينته سب کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے کیا مطلب ابھی مجسمہ بشری تیار نہیں کیا گیا ابھی حضرت آدم کا مجسمہ تیار نہیں کیا گیا ابھی عناصر اربع کی ترکیب نہیں کی گئی ابھی آگ پانی مٹی ہوا کا امتزاج نہیں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں ہے اور میں ہوں تو اے اللہ کے آپ ہیں کیا ہیں آپ ہیں کیا ہیں تو کہا گیا کہ دیکھو میں ہوں اور نبی ہوں کون تو نبی ہوں میں جب اس وقت تھا تو میں نبی تھا معلوم یہ ہوا کہ یہ جو آنے والے جو ہیں ایک طرف میں اپنے رسول کی نبوت دیکھ رہا ہوں ایک طرف میں اپنے رسول کی نبوت دیکھ رہا ہوں جس کا آغاز سیدنا آدم کے وجود سے پہلے ہی ہو رہا ہو گیا ہے اور دوسری طرف میں اپنے رسول کی رسالت دیکھ رہا ہوں والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ وہ ایک دوسری طرح میں رسول کی رسالت دیکھ رہا ہوں اور میں نے جب غور کیا تو اسی نبوت اور رسالت کے بیچ میں سارے انبیاء کرام فرائض نبوت انجام کر دیتے ہوئے نظر آئے اسی نبوت اور رسالت کے بیچ میں تو میرا رسول ان کو بھی فیض دیتا رہا اور میرا رسول اپنے صحابہ کو بھی فیض دیتا رہا بس یہی ہے دوستو جب آفتاب نکلتا ہے ستارے نور کی چادر میں چھپ جاتے ہیں ستارے فنا نہیں ہوتے یہ نہ کہہ دینا کہ ستارے فنا ہو گئے نہیں ایک بڑی روشنی والا آ گیا اب چھوٹی روشنی والوں کی ضرورت نہ رہے گی ایک بڑی روشنی والا آ گیا چھوٹی روشنی رہنے والوں کی ضرورت ساری دنیا کے لیے آیا اب بتاؤ دوستو ایک بڑی روشنی موجود ہو ایک بڑی روشنی موجود ہو آفتاب جل رہا اور تم چراغ جلاؤ تم چراغ جلاؤ دنیا کیا کہے گی آفتاب جل رہا ہو آفتاب روشن ہو آفتاب نور باریاں کر رہا ہو آفتاب ضیا پاشیاں کر رہا ہو اور تم چراغ جلاؤ دنیا کیا کہے گی دنیا یہی کہے گی کہ معلوم ہوتا دماغ کچھ خراب ہو گیا ہے سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں کی چول کچھ ڈھیلی ہو گئی ہے کہ آفتاب جل رہا یہ چراغ دکھا رہا آفتاب کو چراغ دکھا رہا بتاؤ یہ حرکت تمہیں سے تو ضرور ہو سکتی ہے مگر کیا وہ حکیم و قدیر وہ خالص کائنات چلتے ہوئے آفتاب کے سامنے چراغ جلائے گا چلتے ہوئے آفتاب کے سامنے چراغ جلائے گا تو اب معلوم یہ ہوا اب اگر روشن آفتاب کے سامنے تمہیں کوئی چراغ جلاتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لینا اس میں یہ خالق نہیں جلا رہا ہے اس کا جلانے والا کوئی اور ہی ہوگا جو روشن آفتاب کے سامنے چراغ جلانے کی کوشش کر رہا یہ خالق اس لیے کہ وہ حکیم ہے وہ حکیم ہے اس کا کوئی فیل حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہو سکتا اب ذرا سا دیکھو یہی تو ہوا ایک آفتاب جل رہا ہے کون سا آفتاب ماضی کا آفتاب مستقبل کا آفتاب اولین کا آفتاب آخرین کا آفتاب انسانوں کا آفتاب جنوں کا آفتاب عالم غیب کا آفتاب عالم شہادت کا آفتاب ساری کائنات کا آفتاب وللعالمین نذیرا سارے عالم کے لیے نذیر ارسل تو الی الخلق کافہ سارے مخلوق کا رسول یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا سارے انسانوں کا رسول وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سارے عالم کے لیے رحمت ایسا آفتاب جس وقت جل رہا ہو اب اگر برطانیہ کوئی چراغ جلانا چاہے اس کے مقابلے میں کہ ہمیں اس کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس چراغ کی روشنی کی ضرورت ہے ہمیں اس چراغ کی روشنی کی ضرورت ہے ذرا غور تو کرو یہ فہم و فراست کا دیوالیہ نہیں ہے تو کیا یہ وقت کا عالمیہ ہے نہیں ہے تو کیا سمجھ لو میرے رسول کا چمکنا اور ساری کائنات کے لیے رسول ہونا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اب جو اپنی نبوت کا دعویٰ کرے یقیناً وہ دماغ کے خلل کا شکار ہو چکا ہے یقیناً وہ خلل کا شکار ہو چکا ہے علماء کرام تو آپ کو سمجھاتے رہیں گے مگر میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ قادیانی کے بارے میں کوئی رائے بتاؤ میں یہ نہیں پوچھتا کہ مرزائیوں کے بارے میں کوئی رائے بتاؤ میں یہ پوچھتا ہوں کہ مرزائیوں کے بارے میں تمہاری کچھ بھی رائے اپنے بارے میں رائے بتاؤ اپنے بارے میں بتاؤ اگر مرزائی صحیح ہے تو تم سب کافر ہو
सवाल ये नहीं है कि हम उसको मुसलमान समझेंगे काफिर, सवाल ये है कि हम 70 करोड़ को मुसलमान समझें या 50-50-5 लाख को। फैसला करना अगर वो मुसलमान है, अगर वो सही है, अगर वो नबी है तो वो क्या होगा, वो तो खुदा देखने वाला, उसका क्या हश्र होगा वो खुदा देने वाला, मगर जनाब को अपने बारे में फैसला करना पड़ेगा, अपने बारे में फैसला करना पड़ेगा। इसलिए कि किसी नबी का जो मुनकिर होता है वो क्या होता, वो काफिर हुआ करता है। तो अब अगर आपने रवादारी से काम लिया और आपने उसको भी मुसलमानों की जमात में शामिल कर लिया तो वो तो मुसलमान ना हो सकेगा, आप काफिर हो जाएंगे। तो सवाल इस बात का नहीं है कि मिर्जाई क्या है, सवाल इसका भी नहीं कादियानी क्या है, अब सवाल ये है कि तुम अपने को क्या साबित करना चाहते हो। सवाल इस बात का है कि तुम अपने को क्या साबित करना चाहते हो। जब मिर्जाई ये कह रहा है और उसे कहना भी चाहिए, जब वो नबूवत का मुद्दई, उसे कहना भी चाहिए जब वो नबूवत का मुद्दई है कि मेरी जमात के सिवा सब काफिर, तो अब अपने को अगर तुम मुसलमान मानते हो तो मजबूर हो कि उसको काफिर को मजबूर हो। ऐसी मजबूरी है कि अगर तुम उसको काफिर नहीं कहते तो अपने ईमान से हाथ धोते हो। इसलिए कि देखो अगर वो सही है तो तुम गलत, अगर वो सही है तो तुम गलत। तो क्या तुम 5 लाख इंसानों के ऊपर 70 करोड़ इंसानों को कुर्बान कर दोगे? क्या तुम कुरान का वो मतलब बताओगे, उससे अलग हो जाओगे? जरा गौर तो करो, खत्मे नबूवत का अकीदा जो नस्से कतई से साबित है और जिस पर उम्मत का इजमा है, तस्री हो गई, सराहत हो गई, ऐसे अकीदे को छोड़ने से पहले तुम्हें फैसला करना, जानते हो किसको किसको छोड़ना पड़ेगा? रसूल को छोड़ो, सहाबा को छोड़ो, ताबईन को छोड़ो, तबे ताबईन को छोड़ो, अइम्मे मुज्तहिदीन को छोड़ो, अइम्मे तरीकत को छोड़ो, तमाम उलमाए मिल्लत इस्लामिया को छोड़ो, मशाइख को छोड़ो, और 70 करोड़ मुसलमान है इनको छोड़ो। हम सोचते हैं इतना छोड़ दोगे तो रहेगा क्या? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुसल्ली अलैह। कसम है आस्ताबे रिसालत की, जरा सा गौर तो करो, ये आफ्ताब जब चमका तो जो बाद में चमकने वाले थे वो तो चमकने की कोशिश की नहीं, जो बाद में चमकने वाले थे उन्होंने तो चमकने की कोशिश की नहीं। मगर दोस्तों अब हर मामला, जमाना भी बहुत खराब हो गया है, हर चीज नकली बनती है, हर चीज नकली बनती है, और उसके बाद ये नकली का सिलसिला इतना दराज हो गया कि अब नबी भी नकली बनने लगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैह। तो आफ्ताब का फैज दायमी होता, और एक खास बात आफ्ताब में और होती, आफ्ताब का काम क्या है? देखो रात हो गई, आपने रोशनी कर दी, मुख्तलिफ चराग जला दी, तो चराग का काम है रात में रोशनी देना, मगर रात को भगा देना ये चराग का काम नहीं। रात रहेगी मगर उस रात में, उस जुल्मत में नूर चराग देते, रात फना नहीं होगी, रात बहरहाल रात रहेगी। और कहा जाएगा कि ये चराग रात में जल रहा है, मगर जब आफ्ताब जलता है तो रात का वजूद ही नहीं, जब आफ्ताब जलता है तो रात का वजूद ही नहीं, बिल्कुल तारीख, तारीखी का कोई सवाल ही नहीं, लफ्ज रात का इस्तेमाल भी नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आफ्ताब नबूवत, आफ्ताब रिसालत जब वो चमके तो ऐसा चमके कि तारीखी बिल्कुल खत्म हो गई, वजूद ही नहीं है। आफ्ताब का काम ही है जुल्मत को मिटा देना, मगर आप ठहर कर सोचेंगे कहां मिटी, क्या कादियानियत की जुल्मत है? आफ्ताब तो है ना, ये तो ये कहां से ये निकला है? आफ्ताब तो है तो क्या कुफ्र नहीं है, क्या शिर्क नहीं है, क्या यहूद और नसारा की सरकशियां नहीं है, क्या इनका तमर्रुद नहीं है? सारी चीजें तो मौजूद है ना। आप कहते हैं जब आफ्ताब होता तो सारी तारीखी खत्म हो जाती, क्या जुल्मत है? कुफ्र भी है, निफाक भी है, मगर मैं आपको बताऊं, सुनो जी,
आफ्ताब का काम क्या होता? आफ्ताब का काम है एक जबरदस्त तारीकी से तुम्हें नजात देना, तुम्हारे जहन और फिक्र को ऐसा नूर देना, ऐसी रोशनी देनी, ऐसी ताबानी देनी कि तुम फरेब ना खा सको, तुम्हें धोखा ना हो, तुम्हें फरेब ना हो। मिसाल के तौर पर देखो, जब रात थी तो हम नहीं समझे थे कि ये जो मकान है इसकी दीवार में कहां तक सब्ज रंग है, कहां तक सफेद रंग है, कहां तक सियाह रंग है, कैसा रंग है, ये दीवार कैसी है, रात की तारीकी में हम ये नहीं समझ सके थे। मगर जब आफ्ताब निकल आया तो उसने बता दिया, आफ्ताब ने ये नहीं किया कि तुम्हारे दीवार की स्याही को आके धो दिया, आफ्ताब का ये काम नहीं है, स्याहियों का धोना उसका काम नहीं है, बल्कि स्याहियों का दिखाना उसका काम। उसने आके दिखा दिया कि जिस दीवार को तुमने साफ और शफाफ समझा था उस दीवार में स्याही इतनी है, सफेदी इतनी है, सब्जी इतनी है, सुर्खी इतनी है, मतलब ये है कि अब तुम फरेब के शिकार नहीं हो सकते। जब तक आफ्ताब रिसालत तुलू नहीं हुआ था पता ही नहीं चला था कुफ्र किधर है, ईमान किधर है, सदाकत क्या है, अदालत क्या है, शुजात क्या है, इखलास क्या है, निफाक क्या है। मगर जब आफ्ताब रिसालत तुलू हो गया, जब मेरे रसूल ने दिखा दिया कि देखो ईमान ये है, कुफ्र ये है, निफाक ये है, जुल्मत ये है, अब कोई फरेब नहीं दे सकता, अब कोई धोखा नहीं दे सकता। आफ्ताब कसम है उस आफ्ताब रिसालत की जिसने सारी कायनात की तारीकी, जहनों की तारीकी सबसे बड़ी तारीकी है, मैं आपको बताऊं, जहनों की तारीकी सबसे बड़ी तारीकी, ये जो दुनिया की तारीकी है इसमें तो किसी न किसी तौर से आप चल लेंगे, मगर अगर आपका जहन तारीक हो जाए तो न जाने कितनी ठोकरें आपको खानी पड़ेंगी। सबसे बड़ा काम तो ये आफ्ताब रिसालत ने किया कि तुम्हारे जहनों की तारीकी को खत्म कर दिया, कसम है उस आफ्ताब रिसालत की। और एक खास प्यारी बात हम ये देखते हैं इस मुकाम पर कि आफ्ताब का आलम यह है कि होता तो बहुत दूर है, वक्त की किल्लत के पेश नजर चंद बातें और मैं आपके सामने अर्ज करूंगा इस सिलसिले की। होता तो बहुत दूर मगर वहां से अपनी शुआएं भेजता, और जमीन के ऊपर अगर कोई तरावट है, कोई नजासत है, तो उसकी शुआएं उस नजासत को खत्म करके उसको साफ सुथरा बना देता। कितनी दूर से वो अपनी किरणें भेज रहा, तो आफ्ताब को तस्हीर और तस्किये के काम के लिए ये भी जरूरी नहीं कि वो यहां आके काम करे, उसके अंदर इतनी कुदरत और अख्तियार है कि वो वहीं रह करके हमें नूर दे सकता, और हमारी सियाह, हमारी जो नजासत है कलबी, उसको दूर कर सकता है। और वाकई हमने देखा, सोचो खाने काबा में 360 का जिक्र सुना है आपने कभी, 360 का कब्जा था, घर था खुदा का और कब्जा था किसी और का। मेरा रब कादरे मुतला अगर वो चाहता तो रसूल के जुहूर से पहले ही, नबी के आने से पहले ही एक एक बुत को निकलवा के फेंकवा देता। उसकी कुदरत को अगर तुम समझना चाहते हो, अगर वो चाहता तो रसूल के यहां दुनिया में जुहूर से पहले ही काबे की सफाई हो सकती थी, और वो बात तो बड़ी बात, बल्कि मेरा रब कादरे मुतलक अगर वो चाहता तो ये बुत आ भी नहीं सकते थे। मगर उसने ढील दिया, वो भी आजमाता है, वो भी आजमाइश इब्तिला इम्तिहान की मंजिल से गुजारता है, और उसके बाद ढील दिया। उस ढील का नतीजा यह हुआ कि 360 वहां आए, फिर मेरे खुदा ने उन 360 को अपने रसूल के जरिए निकलवाया। यहीं से सुन्नत इलाहिया का पता चल गया, तथहीर और तस्किया रब तबारक व तआला करेगा,
دپائی رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، مگر ذریعہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جب انہوں نے خدا کے گھر سے بتوں کو نکال کر کے اس گھر کو پاک و صاف کیا، وہیں سے اشارہ ہوا کہ اگر ہمارے دل کے گھر کے اندر، اگر ہمارے خانہ دل کے اندر عقائد کے خراب بت ہم نے بنا رکھے ہیں، نظریات کی خراب بت ہم نے بنا رکھے ہیں، تو اس کی تطہیر اور اس کی طہارت کے لیے بھی ضرورت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق و محبت کی۔ وہ بھی ہے کوئی سینہ جس میں نہ ہو مدینہ، وہ بھی ہے کوئی سینہ جس میں نہ ہو مدینہ۔ زیبائی سے مکہ ہے، زیبائی سے مکی سے ان کو لانا ہے تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے۔ وہ ہے، اسی لیے قرآن نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ میرا رسول ہے جو انہیں پاک و صاف کرتا ہے، جو ان کا تزکیہ فرماتا ہے، جو ان کی تطہیر فرماتا ہے۔ قسم ہے اس آفتاب رسالت کی۔ اور تم نے نہیں دیکھا دوستو، صاف کرنے کا عجیب آفتاب کا انداز تم دیکھتے ہو، رات بھر برف جمی ہوئی، صبح کو کرنیں پڑی، برف پگھل پگھل کر گرنے لگی۔ کتنی پیاری یہ کرنیں ہیں جو آپ جو برف کو گرا رہی ہیں۔ واقعی میرے رسول نے بھی تمہاری تطہیر اور تمہاری صفائی کے لیے کتنا پیارا راستہ نکالا ہے، توبہ و استغفار کا راستہ۔ کتنی ہی برف کیوں نہ جمی ہو، غفلت کی کتنی ہی برف کیوں نہ جمی ہو، تم سے اتنے سخت مطالبات نہیں کیے گئے، تم سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ سنو اگر برف کی، اگر غفلت کی برف جمی ہوئی ہے تو تم پہاڑوں سے چھلانگ لگا دو، تم آتش کدے میں کود جاؤ، تم دریا سے ٹکرا جاؤ، یہ سب نہیں کہا گیا ہے، بلکہ صرف یہ کہا گیا بس ندامت کے دو آنسو بہا لو، ندامت کے دو آنسو بہا لو، بالکل پتا ہی نہ چلے گا اس دل میں کیا تھا، مگر یہ ندامت کا آنسو بھی اگر بہے گا تو اسی وقت بہے گا جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ کرم متوجہ ہو جائے گی۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے، تاریخ بتا رہی ہے کہ عمر سوئے نبی گئے اور نظر سوئے عمر گئی، بڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی۔ قسم ہے اس آفتاب رسالت کی۔ اور ایک چیز اور ہم دیکھتے ہیں میاں، بہت تیزی سے میں آپ کو لے چلوں، آفتاب جب نکلتا ہے تو اطمینان ہو جاتا ہے، امن مل جاتا ہے، چوروں سے خاص طور سے امن مل جاتا ہے، لوگ ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ چوروں کے لیے سب سے بہتر وقت رات کا وقت ہوتا ہے، اور رات کا وقت اس لیے کہ ان کو جو کام انہیں کرنا ہے اس کے لیے رات کا وقت بڑا مناسب وقت، اور وہ بھی خیال کرتے ہیں کہ رات کے وقت ہم جو ہے گیٹ سے نہیں داخل ہوں گے، دروازے سے نہیں، وہ نقب لگانے کی کوشش، ہمارے انڈیا میں تو یہی ہوتا۔ اور اس کے بعد یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ ایسے راستے سے چلو جہاں کوئی چراغ نہ جلتا، چوروں کی خاص بات ہے، اگر چراغ جلتا ہوا رہے گا تو کہیں کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ تو چور سب سے پہلی کوشش اس کی کیا ہوگی کہ زندگی بھر رات ہی رہے تو اچھا، اور دوسرے یہ کہ ہم جس راستے پر چلے اس راستے پر کوئی نور والا نہ ہو، کوئی روشنی نہ ہو، کوئی ایسا کھمبا نہ ہو جس میں کیا نام ہے روشنی ہو، جس کے اندر بلب جل رہے ہو، تو اس کی یہ بڑی کوشش ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ اس کو عداوت ہوتی۔ حالانکہ دیکھو نور سے سبھی کو محبت ہوتی، شمع جلتی ہے تو سبھی کو محبت ہوتی ہے، مگر ہم نے تو دیکھا صاحب شمع جلتی ہے تو صرف ایک نہیں جلتا، تین جلتے ہیں، جب شمع جلتی ہے تو تین جلتے ہیں، یاد رکھنا۔ یہاں تو خیر تین جلنے والوں کو تو ہم نہ سمجھا پائیں گے، اس لیے یہاں تو پروانے دکھائی نہیں پڑتے۔ دیکھیے جب شمع جلتی ہے تو شمع تو خود جلتی ہے اور اس پر جا کے پروانہ جلتا جلتا ہے، تو یہ دوسرا جلنے والا، اور ایک شمع پروانے کے تعلق کو دیکھ کر ایک تیسرا جلتا، وہ بغیر جلائے جلتا، اس جل وہ ایسی آ گئی جس کو بجھایا ہی نہیں جا سکتا۔ مگر سنو جی،
ये जो शमा की लौ पे जलता है उसको जगह मिलती है तो शमा के कदमों में मिलती है, और जो दूर दूर रह के जलता है, जलता भी है शमा से दूर भी रहता है। तो मियां, ये रात का वक्त अजीब वक्त है जो चोरों के लिए बहुत मुनासिब वक्त है। जब तारीकी बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई, देखो जिस चोर का जिक्र हमारे उलमा कर रहे हैं ना, जिस चोर, उसने भी सोचा कि 13 सदियां गुजर गई। जब 13 सदियां गुजर गई और बहनों फिक्र के अंदर बहुत ही ज्यादा तारीकियां और जुल्मत आने लगी है, और अब ये इंसान भी जो है देखो तो नाम का मुसलमान दिखाई पड़ता है। अगर चले रास्ते में हमने पूछा आपका नाम, आपने कहा हमारा नाम है अब्दुल्ला, हमने कहा सलाम अलैकुम, यानी सलाम से पहले नाम जरूरी है। इसलिए कोई और ऐसी अलामत तो है नहीं कि हम समझे कि आप मुसलमान, कोई ऐसी जाहिरी अलामत नहीं, तो पहले सोचेंगे नाम पूछो, कहीं ऐसा ना हो कि हमें धोखा हो जाए, गफलत हो जाए, तो पहले नाम पूछा जाता है। तो उसने सोचा कि तारीकी बहुत छा गई, उसने सोचा तारीकी बहुत छा गई, मौका बहुत अच्छा है, मगर वो नहीं जानता कि आफ्ताब रिसाला चमक रहा है। ठीक है, आज हमारा जाहिर इस काबिल नहीं है कि हम अपने को उस आफ्ताब रिसालत की तरफ मंसूब कर सके, मगर हमारे दिल में अब भी कुछ किरण बाकी है, हमारे दिल में अब भी कुछ रोशनी बाकी है, और वो रोशनी ये समझाने के लिए काफी है कि चोर कौन। तो उसको बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है तारीकी की। तो समझ लो, हजराते औलियाए किराम, हजराते मशायख और बुजुर्गाने दीन कि ये जो जलते हुए चिराग हैं, जिनका ताल्लुक है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुंबदे खदरा से, जिनका ताल्लुक है, आज सारी कायनात बुक्के नूर है, आज फरेब नहीं दिया जा सकता, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां चिराग न जल रहे, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां चिराग न जल रहे हो। वाकई मगर अमन हो गया, सुकून हो गया, इत्मीनान हो गया। आफ्ताब का काम ही है सुकून देना। रात में बड़ी वहशत होती है, रात की तारीकी में बहुत वहशत होती है, चलने फिरने में भी डर लगता है। आफ्ताब जब निकल आता है तो ये वहशत खत्म हो जाती है। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो है जो हमारे लिए बाईस इत्मीनान है, जो हमारे लिए बाईस सुकून है, जो हमारे लिए बाईस करार है। और यकीन जानो, ऐ सुकून और इत्मीनान के तलाश करने वालों, अगर तुम्हें इत्मीनान मिलेगा तो बारगाह मुस्तफा से मिलेगा। आज इत्मीनान और सुकून तलाश करने के लिए लोग क्या क्या जतन कर रहे हैं, क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं, लोग फार्मूले बना रहे हैं, फिजाओं में तैर जाओ कामयाब हो जाओगे, दरिया के कलेजे को चीरो कामयाब हो जाओगे, चांद पर दस्तक दो कामयाब हो जाओगे, मरीख पर कमंदे डालो कामयाब हो जाओगे, सूरज की तस्वीर कर लो कामयाब हो जाओगे, अतारिदो मुश्तरी को अपने काबू में कर लो कामयाब हो जाओगे, मगर यकीन जानो दोस्तों, कामयाबी दुनिया के किसी गोशे में नहीं मिल सकती। अगर तुम्हें कामयाब होना है तो कामयाबी मिलेगी दरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे। इसीलिए हमने देखा जो रसूल से वाबस्ता हुआ वो कामयाब था, भूखा था कामयाब था, प्यासा था कामयाब था, बेघर था कामयाब था, पत्थर के नीचे था कामयाब था, पेट पर पत्थर बंधे हुए थे कामयाब था, थोड़े थे कामयाब थे, बेसरो सामान थे कामयाब थे। तो कामयाबी तो वो है, कामयाबी वो है रसूल के हो जाओ, दुनिया तुम्हारा सुकून नहीं ले सकती, तुम्हारा करार नहीं ले सकती, तुम्हारा इत्मीनान नहीं ले सकती। तो कामयाबी वहीं से मिलती है, और कहीं चांद पर जाने से कौन कामयाब हुआ। मैं ये नहीं कहता कि गए कि नहीं गए, ये तो प्रोपेगंडे की दुनिया है, न जाने कैसी कैसी बातों को क्या से क्या रंग दे दिया जाता है, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, मगर थोड़ी देर के लिए मान लो चले ही गए, थोड़ी देर के लिए मान लो चले गए, तो अब जाने वालों से पूछना कितना खर्च किया, मालूम अरबों खर्च किया,
खरबों खर्च किया, इतना खर्च करके गए, अच्छा इस बेकरार दुनिया के लिए क्या ले आए, इस बेचैन दुनिया के लिए क्या ले आए, इस बेइत्मीनान दुनिया के लिए क्या ले आए, इस बेसुकून दुनिया के लिए क्या ले आए, करार ले आए, इत्मीनान ले आए, चैन ले आए, सुकून ले आए, क्या ले आए दुनिया के लिए? हमने तो यही सुना खाक ले आए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु रब्बन तुसल्ली अलैह। पत्थरों के चंद टुकड़े ले आए। अरे भाई, हमारी धरती में पहाड़ों की कुछ कमी थी कि बोझ और बढ़ा दिया? अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु रब्बन तुसल्ली अलैह। तो कामयाबी तुम्हें चांद से नहीं मिलती। ये इंसान जब चांद की तरफ कामयाबी के लिए दौड़ रहा है, ये इंसान सूरज की तरफ कामयाबी की तरफ दौड़ रहा, क्या ये चांद न हंस रहा होगा, ये सूरज न मुस्कुरा रहे होंगे, क्या ये न सोच रहे होंगे कितना बेवकूफ इंसान है, मेरी तरफ तो दौड़ता है और जिसने मुझे टुकड़े किए उधर नहीं जाता, ये कितना नादान इंसान है। सूरज भी अगर सोचे तो क्या अजब है कि ये कितना बेवकूफ इंसान है, मेरे पीछे दौड़ रहा है और जिसने मुझे पलटाया उधर नहीं जा रहा है। ये सारे दुनिया की तमाम चीजें अपने अपने ख्याल में क्या क्या सोच रहे होंगे। तो सुनो जी, कामयाबी मिलती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दर से वाबस्ता होने से। एक मिसाल इस सिलसिले की मैं अर्ज करूं दोस्तों, देखो एक बड़ा ही खूबसूरत फूल होता है जिसको गुलाब कहते हैं, बहुत खूबसूरत होता है। अच्छा, उस गुलाब को तोड़ करके ले आए और लाने के बाद एक गुलदस्ता बना दिया, गुलदस्ते में गुलाब को रख दिया, तो बहुत सारे गुलाब के फूल थे उसमें, मगर मैंने ये देखा कि वो फूल मुरझा रहा। मैं सोचने लगा इस गुलाब से आलमे ख्याल में, जुबाने हाल से मैंने ये सवाल किया कि ये गुलाब, ये तो बता कि तू जब दरख्त में लगा हुआ था तो मैंने तुझे करीब से देखा था, तेरे दामन के नीचे कांटे ही कांटे, तेरे तू जिस डाली में था उसमें कांटे ही कांटे थे, तो कांटे वाली डाली में जब तू था तो मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, तरोताजा था, मगर ये क्या बात है कि हमने कांटों से अलग करके फूलों के बीच में रख दिया है, अब तेरी मुस्कुराहट क्यों खत्म हो रही है, अब तेरी ताजगी क्यों उड़ रही है, पहले तो मुस्कुरा रहा था, अब तो कहा लगाना चाहिए, अब तो यहाँ और भी महकना चाहिए। वैसे तो यहाँ के इलाके का कोई फूल महकता ही नहीं, महकने वाले फूल तो हमारे इलाके में है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु रब्बन तुसल्ली अलैह। मगर बहरहाल तरोताजा तो दिखाई पड़ते हैं, देखने में तो अच्छे लगते हैं, तो आखिर तेरी ये शादाबी कहाँ गई, तेरी ये सरसरी कहाँ गई, तेरी ये ताजगी कहाँ चली गई? जब तू कांटों में था तो हंस रहा था, जब तू कांटों में था तो महक रहा था, जब तू कांटों के बीच में था तो मुस्कुरा रहा था, और फूलों के बीच में तेरा ये क्या हाल हो गया है? तो वो कहेगा क्या गुलाब, यही तो जवाब देगा, नादान हमें फरेब न दे, कौन, जब हम कांटों के साथ थे तो अपने मरकज से लगे हुए थे, अपने मरकज से लगे हुए थे, जहाँ से हमें रंगत मिली थी, जहाँ से हमें नुजहत मिली थी, जहाँ से हमें नफहत मिली थी, जहाँ से हमें शादाबी मिली थी, जहाँ से हमारा वजूद हुआ था, हम उससे लगे हुए थे, और तूने मरकज से जुदा करके हमें फूलों के बीच में लाके रख दिया है। अब हमें ताजगी न मिलेगी, अब हमें सुकून न मिलेगा, अब हमें इत्मीनान न मिलेगा। तो सुनो जी, अगर रसूल के दर से काट के तुम्हें मिर्रीस पर पहुंचा दिया जाए, अगर रसूल के दर से काट के तुम्हें मुश्तरी पर पहुंचा दिया जाए, अगर रसूल के दर से काट के तुम्हें चांद की दुनिया में पहुंचा दिया जाए, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, इत्मीनान न मिलेगा, सुकून न मिलेगा, करार न मिलेगा, चैन न मिलेगा। चैन देना तो इस आफ्ताबे रिसालत का काम है, कसम है इस आफ्ताबे रिसालत की। सल्लल्लाहु अला नबी अल्लमी वालही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। और एक बात और हम देखते हैं कि मियां आफ्ताब का मामला ऐसा है, सभी उसके मुहताज है, कोई ऐसा जो कहे हमें आफ्ताब की जरूरत नहीं? आजकल अजीब अजीब, इसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं, इसका भी दौर बहुत चल गया, यहाँ तक कहने लगे मियां 13 सदी गुजर गई, अब कोई नया कुरान लाओ, एक नया कुरान चाहिए, नया इस्लाम लिए चल रहे हो। और यार इतना पुराना इस्लाम, हम तो नई चीज, देखो हमारा मिजाज ये है कि हम ईद में जो कपड़ा पहनते हैं बकरीद में नहीं पहनते, और साहब अगर कोई नई तराश खराश आ गई तो उसके पीछे दौड़ते, और अगर कोई नई चीज आ गई तो उसके पीछे दौड़ते, तो हमारा मिजाज तो ये है कि हर नई चीज को अपनाते हैं। पहले वो छोटा चिराग जलता था ना,
मगर अब दिखने में भी नहीं आता। अब तो ये अच्छे अच्छे चिराग जलने लगे। अब इस दौर में कोई वो चिराग जलाए तो बेवकूफी तो समझा जाएगा। मतलब ये है कि हमें नई चीज चाहिए, हम जिद्दत के पसंद करने वाले हैं। तो जब कोई ये कहता है कि हमें नई चीज चाहिए तो हम कहते हैं, सुनो जी, तुमने समझा नहीं कि पुरानी चीज कब बनती है। चीज पुरानी कब होती है पहले यह गौर करो। देखो, अगर तुम जो तराश फराश पसंद किए हुए हो, जो लिबास तुम्हारे बदन पर है, अगर उससे बढ़कर या उस जैसा कोई लिबास मार्केट में आए ही ना, तो आप उतार के फेंक दोगे कि हमें नया चाहिए। मालूम यह हुआ कि चीज पुरानी उस वक्त होती है जब उस जैसी या उससे बेहतर चीज कोई आ जाए सामने, तब वो चीज पुरानी हो जाती और लोग फिर नई की तरफ दौड़ने लगते हैं। तो मेरे कुरान को पुराना कहने से पहले कुरान जैसी किताब लाओ, मेरे रसूल को पुराना कहने से पहले रसूल जैसा नबी लाओ, इस्लाम को पुराना कहने से पहले इस्लाम से बेहतर कोई दीन ले आओ। और जब तुम नहीं ला सकते तो 13 सदियां क्या, 1000 सदियां और भी गुजर जाए, 1,00,000 सदियां गुजर जाए, मगर न कुरान पुराना होगा, न इस्लाम पुराना होगा, न रसूल पुराने होंगे। और अगर तुम्हें इतनी इज्जत नहीं हो गए पुराने, तो छोड़ दो इस पुराने चांद को, छोड़ दो इस पुरानी जमीन को, छोड़ दो इस पुराने आसमान को, छोड़ दो इस पुराने सूरज को। इतना पुराने सूरज की रोशनी मत लो, अब नया सूरज ले आओ। और इस पुराने चांद की चांदनी मत लो, अब नया चांद ले आओ। और इस पुरानी धरती पे क्यों जी रहे हो, कोई नई धरती बनाओ। और इस पुराने आसमान के साए में क्यों सांस ले रहे हो, कोई पुराना लाओ। मालूम हुआ कि जब धरती का जवाब नहीं है तो ये धरती कयामत तक नई धरती रहेगी। जब आसमान का जवाब नहीं है तो ये आसमान हमेशा नया आसमान रहेगा। जरा सा गौर तो करो, तो आज का जौक भी अच्छा है, अजीब और गरीब जौक है कि लोग कहते हैं कि ये करो, सबको जरूरत है। ये जमीन बैनुल अक्वामी जमीन है, ये आसमान बैनुल अक्वामी आसमान है, ये सूरज बैनुल अक्वामी सूरज है। कोई नहीं कह सकता, गरीब कहे कि सूरज हमारा है या रईस कहे सूरज हमारा, नहीं, वो सबको नूर देता है, चाहे झोपड़े वाला हो, चाहे संगमरमर के ऐवानों वाला हो, चाहे बिल्डिंग वाला हो, वो नूर देता है तो सबको देता है, तफरीक नहीं करता। और नूर देने का जौक तो देखो कि किरने भेज रहा है, अब जो भाग रहे हैं नूर लेने से उन्हें भी दे रहा है, उन्हें भी दे रहा है। और अगर उन्होंने दरवाजा खोल करके अंदर घर में चले गए तो उसने खिड़कियों से नूर दे दिया, और अगर उसने दरवाजे खिड़की को बंद कर लिया, उसने कोई दराज रहा तो वहां से नूर दे दिया, और अगर उसने पीछे चादर डाल ली सियाह चादर, तब भी आपका पता नहीं होता, रोशनी डालता है, कभी तो दरवाजा खुलेगा, कभी तो दरवाजा खुलेगा। वाकई रहमतुल्लिल आलमीन की शान यही है। तो कितना ही भागते चले जाओ, मगर वो नूर देने से तुम्हें कभी तुम्हारा पीछा न छोड़ेंगे, नूर देते ही रहेंगे, नूर देते ही रहेंगे। तो ये सब मोहताज है, तो जिस तरह आफ्ताब के सब मोहताज है, वैसे ही मेरे रसूल का निकोकार भी मोहताज है, गुनहगार भी मोहताज है, सियाहकार भी मोहताज है, औलिया भी मोहताज है, सब मोहताज है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के। तो कसम है इस आफ्ताबे रिसालत की। और एक प्यारी बात और अर्ज कर दूं इस सिलसिले की, देखो आफ्ताब की तजल्ली तो एक ही होती है, मगर मुख्तलिफ सितारों में मुख्तलिफ रोशनी, फानूस बदल गया तो तजल्ली का रंग बदल गया। इसको और साफ लफ्जों से यूं समझाऊं, पावर हाउस से जो नूर आता है वो एक ही रंग का होता है, पावर हाउस से जो नूर आता है वो एक ही रंग, मगर बल्ब के अंदर जो नूर छनता है वो जैसा रंग बल्ब का वैसे। अगर लाल बल्ब है तो लाल रोशनी, और अगर हरा बल्ब है तो हरी रोशनी। अच्छा, तो ये नूर कहाँ का, तो कहा जाएगा पावर हाउस का, और कहेंगे ये रंग कहाँ का, बल्ब का। मालूम ये हुआ कि अगर पावर हाउस का नूर लेना है तो बल्ब का रंग भी लेना पड़ेगा, इसको छोड़ करके हमें नूर न मिलेगा। और देखो, अगर लाल बल्ब के नीचे तुम निकल गए, लाल बल्ब के नीचे अगर तुम आ गए, तो क्या रंग होगा, लाल रंग होगा।
हरे बल्ब के नीचे पहुंचे तो हरा रंग होगा। रंग बदल रहा है, नूर नहीं बदल रहा। देखा तो रोशनी वहीं से आ रही है, मगर ये पादरी बल्ब है, ये चिश्ती बल्ब है, ये सुहरवर्दी बल्ब है, ये नक्शबंदी बल्ब है। तो मतलब क्या है? रंग कादरी है, नूर मुस्तफा का है। रंग चिश्ती है, नूर मुस्तफा का है। रंग नक्शबंदी है, नूर मुस्तफा का है। तो अगर तुम्हें उनका नूर लेना है तो देने वाले फानूस का रंग भी लेना पड़ेगा। और कहो नहीं, रंग नहीं चाहिए, नूर ही चाहिए। तो नूर न डायरेक्ट मिलेगा न तुम ले सकोगे, वो तो नूर जब मिलेगा तो इन्हीं बल्बों की रोशनी। मगर एक बात ख्याल रखना, एक बात का ख्याल रखने की जरूरत है कि बल्ब तो बहुत किस्म के होते हैं। बल्ब बहुत, बल्ब के नीचे जाने से पहले एक बात का ख्याल करना कि इसका तार पावर हाउस से लगा हुआ ताल्लुक है, इसका ख्याल। और दूसरा ख्याल ये है कि इसके अंदर के जो तार है वो बिखरे हुए नहीं, वो काम कर रहे हैं। तार बिखरे हुए नहीं है, अगर बिखर गए तो वो काम न देंगे। रोशनी फिर नहीं होगी, नूर नहीं होगा, इसका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी। उसी तार में लगा हुआ बल्ब है मगर फ्यूज हो गया, बहुत मुश्किल है उसके नीचे रहकर तुम्हें रोशनी लेना। मगर आजकल तो अजीब मामला है, वो दूधिया बल्ब चला ले तो ये क्या नाम है, उसके तार बिखर गए इसका पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता। तो ऐसे वक्त क्या करना पड़ता है कि उसको प्लग से लगाना पड़ेगा और लगा के दबाना पड़ेगा कि लोग जलता है कि नहीं जलता, तब पता चलेगा। पहले तार से टेस्ट करना पड़ेगा। तो वाकई दोस्तों, इस तरह का अगर दूधिया बल्ब हो कि पता ही न चले कि ये सही है कि गलत, तो उसको उस तार से लगाना पड़ेगा जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला सल्लम की बारगाह का, कि देखो रसूल के तार से लगकर इसके चेहरे में चमक आती है कि नहीं, देखो गौस से वाबस्ता होकर इसके चेहरे में ताबानी आती है कि नहीं, तो लगाना पड़ेगा, उसी के बाद आप समझ सकेंगे। वाकई दोस्तों, कितने ऐसे बल्ब हैं जो लग के फ्यूज हो जाते हैं, लग के फ्यूज हो जाते हैं। तुम नहीं देखते एक बल्ब तुम्हारे सामने ही फ्यूज हो गया, एक बल्ब तुम्हारे सामने लगा और फ्यूज हो गया, और ऐसा तार बिखर गया कि अब जुड़ने का इम्कान भी नहीं, जुड़ने का इम्कान नहीं। मगर ये नादान लोग है, वो दूधिया बल्ब था, इसीलिए नादान लोग उम्मीद किए शायद रोशनी दे दे, नादान लोग उम्मीद किए शायद रोशनी दे दे। तो इस शायद का नतीजा ये हुआ कि 70 करोड़ को छोड़ करके 5 लाख की अलग जमात हो गई कि शायद रोशनी दे दे। हालांकि वो नहीं जानते कि कादियानी का बल्ब के तार बिखर चुके हैं, रहा होगा कभी मुसलमान मगर अब मुर्तद हो चुका है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिद रमगुलारा मुहम्मदिन वाला अली सय्यिद रमगुलारा मुहम्मदिन कमा तहिब्बु व तरदा बेअंत सल्ली अलैह। तो कसम है आफ्ताब रिसालत की और उनकी ज़िया की, ज़िया क्या है मेरे रसूल की, ज़िया क्या है, ये तरीक़त है, ये शरीयत, ये दो ज़ियाएं हैं सरकार अरबी की। और याद रखना दोस्तों, ये तरीक़त जो है इसका वजूद नामुमकिन है शरीयत के बगैर। कुछ अहमक लोग ये समझते हैं कि शरीयत की क्या जरूरत, हम तो तरीकत वाले, यहां तक कह जाते हैं कि मियां नमाज को शरीयत वाले पढ़े, तरीकत वालों को पता नहीं कहां से फुर्सत मिल जाती है। कहते हैं कि साहब नमाज को शरीयत वाले पढ़े, हम तो तरीकत वाले हैं। और कुछ धोखा देने के लिए कहते हैं जी हाँ हम काबे में नमाज पढ़ते। अच्छा साहब, दावत हमारे यहां और नमाज काबे में, तो क्या वहां होटल नहीं, वहां खा के भी आना? अरे मक्के में तो होटल भी तो होगा, तो वहीं से खा के भी आते। जब नमाज वहीं पढ़ते तो वहां से बेहतरीन पानी और वहां से बेहतरीन खाना यहाँ कैसे मैसर हो सकता? मगर ये सब याद रखो, उस मेरे महावश के दो गेसू, ये शरीयत है क्या, तरीकत क्या। मैं इस सिलसिले में एक बात अर्ज करूं, एक मिसाल है, उसी पर बात खत्म कर दो, इसलिए कि वक्त भी पूरा ही हो रहा। देखो शरीयत की मिसाल बहुत प्यारी दी है, और जो हर एक छोटे सिलसिले में भी उतर जाएगी उसको बंद कीजिए, उसको रहे मना। बहुत प्यारी मिसाल ये दी है कि देखो शरीयत ऐसे जैसे बाल, सर का बाल ये शरीयत, और बाल के बीच में जो मांग निकलती है ये तरीकत। शरीयत की मिसाल ऐसे ही जैसे सर का बाल,
और बाल के बीच में जो मांग निकलती है ये है तरीकत। अच्छा ये तो हो सकता है कि तुम बाल रखो और मांग ना निकालो, हो सकता कि नहीं? शरीयत वाले तो बनो और तरीकत वाले ना बनो, ये मुमकिन है। मगर ये हो ही नहीं सकता कि सर के बाल ही ना हो और मांग निकला। कभी गंजों की मांग निकली है? ये हो ही नहीं सकता कि शरीयत ना हो तरीकत निकला है। तो जब कोई कहे कि भाई हमें शरीयत की जरूरत नहीं, हम तरीकत वाले हैं, तो कह देना तुम गंजे हो, ये मांग कहां से निकल आई? अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदना मौला रब मुहम्मदिन वा अला सय्यिदना मौला रब मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बिअन तुसल्ली अलैह। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, उस रुआ अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। الفتاي طلع البدر علينا من سنيات الفتاي أيها المبعوث فينا جئت من أمر المطاي يا نبي سلام عليك يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من سنيات الفداء وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين المعظمين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم إنا نسألك الإثمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الظنون والشكوك واللوهام الساترة للقلوب ومطالعة الغيوب يا ستار الغيوب يا غفار الذنوب اللهم استر عيوبنا فإنك خير الساترين اللهم اغفر ذنوبنا فإنك خير الغافرين اللهم انصرنا يا ربنا فإنك خير الناصرين اللهم افتح لنا يا ربنا فإنك خير الفاتحين اللهم استرنا يا ربنا فإنك خير الساترين اللهم ارزقنا يا ربنا فإنك خير الرازقين اللهم اغفر لنا يا ربنا فإنك خير الغافرين اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ جسم و روح کی بیماریاں دور فرما ظاہر و باطن کی بیماریاں دور فرما دنیا آخرت کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما اے اللہ اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت عطا تو غلامی نصیب فرما صراط مستقیم پر پابند فرما راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما سنت مصطفیٰ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما صحابہ کرام حضرات علماء مشائخین اعظام اور علماء کرام کے فیوزات میں اے اللہ اور مزید ترقی و اضافہ فرما اور اے اللہ ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو نبی پاک کی محبت میں مبتلا فرما اور اہل باطل کے لیے مولا ذوالجلال انہیں فیض برہان بنا کے دنیا میں زندگی عطا فرما دین حق کے لیے اے اللہ زندگی دے دین ہی کے لیے موت دے اور قیامت میں نبی پاک کی شفاعت کا سایہ عطا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد والہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ربنا